मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे। अजीज दोस्तों, आप रोशनियों के अमीन हैं, रोशनियों की अमानत आपके पास है, आब हयात आपके पास है, वो अजीम नूर आपके पास है जिसके जरिए आप सारी दुनिया को मुनव्वर कर सकते हैं, वो अजीम रहनुमाई आपके पास मौजूद है जो हर भटके हुए को सीधा रास्ता दिखला सकती है। बस आपको करना यह है कि रोशनियों की इस अमानत को लेकर आप उठें, सारी दुनिया में फैल जाएं, कॉलेजेस में फैल जाएं, यूनिवर्सिटीज में फैल जाएं, माशरे में फैल जाएं, एक एक तालिबे इल्म की एक एक नौजवान के दिल को दस्तक दें, उसके दिल के दरवाजों को दस्तक दें और रोशनियों की इस अमानत को उसके हकीकी हकदारों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करें। आपके तालीम इदारे की, आपके कॉलेज की ये छोटी सी दुनिया दरहकीकत मुस्तकबिल का हिंदुस्तान है। यहां जो रिफॉर्म आप लाएंगे, यहां जो तब्दीली आप लाएंगे, कल वो चलकर पूरे हिंदुस्तान में खमागीर तब्दीली का पेश खिमा बनेगी। दोस्तों, आज यहां आप अखलाक और किरदार के चश्मे बहाएंगे, कल पूरा हिंदुस्तान अखलाक और किरदार के पाकीजा दरियाओं से सैराब होगा। आज आप कॉलेज से रैगिंग को खत्म कर देंगे तो कल का हिंदुस्तान कमजोरों पर ताकतवरों की बालादस्ती, उनके जुल्म इस्तेबदाद से पाक हिंदुस्तान होगा। आज आप कॉलेजेस से जात पात की तफरीक मिटाएंगे, कल के हिंदुस्तान में किसी जहानाबाद में इंसानियत का सर शर्म से नहीं झुकेगा। आज आप कॉलेजेस से माल प्रैक्टिस मिटाएंगे, बदउनवानियां मिटाएंगे, एग्जामिनेशन में चिटिंग मिटाएंगे तो कल का हिंदुस्तान करप्ट पॉलिटिशियंस से, बदउनवान अफसरान से और मुल्क को धोखा देने वाले सियासतदानों से पाक हिंदुस्तान होगा। आज आप कॉलेज के एक एक तालिब इल्म तक इस्लाम की दावत, इस्लाम का पैगाम पहुंचाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि कल के हिंदुस्तान में न कोई मस्जिद गिरेगी, न कोई फिरकावराना फसाद होगा। दोस्तों, याद रखिए, बेमकसद जिंदगी हैवानों की जिंदगी होती है, जानवरों की जिंदगी होती है। मकसद नजबुलैन ये किसी भी कौम का सबसे बड़ा एसेट होता है, सबसे बड़ी पूंजी होती है। तो हमें अपने मकसद को मुतय्यन करना होगा, बा मकसद जिंदगी गुजारने की कोशिश करनी होगी। मशहूर मौर्रिख टाइम बी ने एक जगह लिखा है कि मैं किसी कौम के मुस्तकबिल का अंदाजा उस कौम के नौजवानों की आंखों में मचल रहे ख्वाबों से करता हूं। तो ऐसे दौर में अकेले रहकर आप इंडिविजुअल हैसियत में कोई बड़ा काम अंजाम नहीं दे सकते, आपको मुनज्जम होना पड़ेगा, ऑर्गेनाइज होना पड़ेगा। दोस्तों, स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इसी मकसद के लिए कायम की गई है, सारे इंसानों तक, सारे तालिबे इल्म दोस्तों तक खुदा के पैगाम को पहुंचाना, कॉलेजेस से बुराइयों को खत्म करना, कॉलेजेस में एक अच्छा माहौल कायम करना ताकि उसके नतीजे में पूरा हिंदुस्तान अच्छा बन जाए। ये हमारा मकसद है, ये हमारा नजबुलैन है। इसी मकसद के लिए मुनज्जम जिद्दोजहद अल्हम्दुलिल्लाह एसआईओ कर रही है। मैं इस मौके पर अपने बुजुर्गों से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप एसआईओ की खुसूसी सरपरस्ती फरमाएं, हमें आपकी सरपरस्ती की जरूरत है, आपकी रहनुमाई की जरूरत है, आपके मुखलिस मशवरों की जरूरत है, आपकी पुरखलूस दुआओं की जरूरत है और इसके साथ साथ आपके नौनिहालों की, आपके जिगर के टुकड़ों की, आपके नौजवानों की जरूरत है। आप हमें अपने जिगर के टुकड़े दीजिए, अपने नौनिहाल दीजिए, अपने नौजवान दीजिए, इंशाल्लाह हम आपको आपके ख्वाबों की ताबीर देंगे।